हेलो फ्रेंड्स, 2016 का जो है आपका सॉल्व पेपर का सेकंड पार्ट है ये। चलिए शुरू करते हैं नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या। तो ये दो होती है कशेरुकियों के। नाड़ी प्रणाली दो प्रकार की होती है, सेंट्रल एनएस एंड पेरिफेरल एनएस। तो इसमें पहले मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड आता है और इसमें नर्व एंड गैल्गिया आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? तो ये होता है आपका एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन होगा। और देखते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं और प्रत्येक न्यूरॉन सेल बॉडी तथा एक्सॉन में बटा होता है। सेल बॉडी का डेंड्राइट्स जो है आपका संवेदनाओं को ग्रहण कर एक्सॉन तक पहुंचाता है, जो संवेदनाओं को पूरे शरीर में टेलोडेंड्रिया द्वारा पहुंचाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्त से कौन संचालित होता है? तो रक्त से आपका उपयुक्त तो सभी होगा, एंजाइम, ऑक्सीजन एंड हार्मोन, ये सभी उपयुक्त तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, ये है मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। तो मानव अस्थि का मुख्य तत्व कैल्शियम। ठीक है, और ये कैल्शियम ही आपका जो है दांतों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हड्डी वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, मानव अस्थि कैल्सिफाइड और मिनरलाइज्ड, हार्ड और रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है और इसका 62% भाग कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, और प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है श्वास मिनट आयतन भी कहते हैं और मिनट आयतन यानी कि मिनट आयतन भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ए बट भी लिख दिया है, यानी कि दोनों कहते हैं। प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को श्वसन मिनट आयतन या मिनट आयतन कहते हैं, इसलिए उत्तर ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, इसको काटा होगा क्वेश्चन को व्यापम ने या जो भी दिया था इसको। केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है, तो ये होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल, है ना, ये आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, दिए हुई सेम टू सेम मेरे जो स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है, तो ये क्या करता है, ये आपका आंतरिक अंग जो आंसर हो जाएगा इसका। स्वचालक नाड़ी प्रणाली आंतरिक अंगों पर नियंत्रण करती है। डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण और उनके ले जाना, तो ये है आपका सेल बॉडी की ओर, इसके बारे में देखना जरूरी है। साइटोन से जो है शाखान्वित छोटे छोटे प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं और ये दूसरी नर्व सेल से या संवेदांग से संबंधित होते हैं तथा इनसे संवेदना ग्रहण करके साइटोन तक पहुंचाती है। तो ये दोस्तों कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर बोले, कई दोस्त बोले थे मुझे कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाए करके, तो ये थोड़ा लग रहा होगा आपको हार्ड होगा। ठीक है, किडनी के अपर लोब्स जो ग्रंथि स्थित होती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, एड्रिनल कहते हैं। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट ही है। और एड्रिनल ग्लैंड्स यह दोनों वृक्कों के अगले सिरे पर स्थित होती है, यह वृक्क की टोपी के समान जो है गाढ़े भूरे रंग की 4-6 ग्राम की होती है। ठीक है, 4-6 ग्राम की होती है। किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो ये तो इजी है, इंसुलिन, इसके बारे में देख लीजिएगा, सेम टू सेम कई बार हो गए ये क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो ये कितना लगता है आपका, 0.8 सेकेंड। ठीक है, बाकी ये और अलग अलग तीन भाग में और बटा होता है। ठीक है, 4 सेकेंड, उसके बाद 3 सेकेंड और 1 सेकेंड ऐसा। तो मनुष्य में स्पंदन की दर लगभग 72 मिनट होती है, अतः कार्डियक चक्र यानी 72 से 75 भी कह सकते हैं, कहीं में 71-72 दिया रहता है, तो 72
जो है मेन है। अतः कार्डियक चक्र का समय जो है 60 to 75 यानी कि 0.8 सेकेंड होता है और 75 बार स्पंदन में हृदय 5 से 6 लीटर रुधिर मिनट प्रति मिनट का परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका क्या होगा आपका साइनोकोबालेमिन, ये ए आंसर ही होगा, इसके बारे में कई बार देखे हैं आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ए आंसर यहाँ दिया है। वैसे विटामिन B12 ठीक है साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से जो है पेनक्रीसियस और एनेमिया नामक रोग हो जाता है जिसमें RBC की आकृति बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ई की जो है ये हो जाता है टोकोफेरॉल और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, इसकी कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो इसका प्रजनन क्षमता संबंधित रोग कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है तो इसमें डी आंसर जो है आपका सही है, नहीं है। नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट बोल दिया है, ये फुटबॉल में होता है। ठीक है, यहाँ दिया भी है चलिए, और नेहरू कप एक आपका फुटबॉल के साथ साथ खो खो में भी होता है, खो खो या कबड्डी आई थिंक होता है, एक बार देख लीजिएगा, खो खो में ही मेरे ख्याल से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं। तो ये आपका 5 मिलियन ठीक है, और 5 मिलियन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 50 लाख ठीक है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है तो याद रखेंगे, है ना। पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है, तो शारीरिक शिक्षा को माना क्या जाता है आपका एक कला और विज्ञान, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों को माना जाता है। पारिभाषिक शब्द दोहरी गलती यानी किस खेल से संबंधित है, डबल फॉल्ट है कहेंगे इसको इंग्लिश में, तो डबल फॉल्ट कई ठो गेम में होता है। ठीक है, कई गेम में जैसे लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, टेबल टेनिस में भी डबल तो नहीं होता उसमें, लेकिन बैडमिंटन में होता है। दोहरी गलती एस बैक हैंड फोर हैंड एंड ड्यूस कोर्ट ग्रीप जो है बॉल बाय सर्विस साइड लाइन शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा है, तो एड्स संक्रामक रोग होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जाता है, HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो इम्यूनो क्या होता है, एक बार थोड़ा से मेरे को देखो, चलिए मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है, बाकी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ऐसे कुछ होता है, लेकिन इसमें सिंड्रोम वगैरह नहीं है, HIV बस दिया है। ठीक है, तो संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो व्यक्ति के जो है व्यक्ति से व्यक्ति या जंतुओं से व्यक्तियों तक फैलता है, इसका माध्यम हवा रक्त या वायरस हो सकता है, उदाहरण रेबीज HIV मलेरिया इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये इसका जो है आपको पूछा जाता है आपको फुल फॉर्म हमेशा, देखिए ऑप्शन रहता है तुरंत पता सही पता चलता है, वही होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इतना बड़ा होता है इसका, छोटा सा है फिर इसी देते हैं इसको फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ गलती होगा तो एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है, तो ये होता है आपका 21% यहाँ पर दिया है, देख लीजिए इसके सामान्य हवा में विभिन्न गैसों का प्रतिशत, O2 20.8% एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% N2 नाइट्रोजन जो होता है आपका 79% यानी सबसे ज़्यादा, वाष्प होता है इसमें 0.1%। शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसमें होती है आपका सी आंसर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, या 4.1 होना चाहिए, तो अभी चलिए ठीक है इसके अकॉर्डिंग जो है 4.2 होगा।
उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार विश्व फुटबॉल जीता है। तो ब्राजील है, 5 बार जीता है सबसे ज्यादा। यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं, फीफा विश्व कप फुटबॉल 1930 में शुरू हुआ और उरुग्वे जो है विजेता रहा, और वहीं हुआ भी था ये। और विश्व जो है 2014 अर्जेंटीना में होकर जर्मनी विजेता रहा, और करंट का अभी जो है फ्रांस विजेता रहा है, ठीक है। और इस पर एक प्रकार से इसको देख लीजिए, आगे चलते हैं। कुश्ती में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये बाल भागवत जो है उनको मिला था। ये देख लीजिए, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 नम्बियार एथलीट ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग और बालचंद्र भास्कर भागवत हुआ। तो इसमें ऑप्शन में यही है, बाल भागवत, ठीक है, भागवत कुश्ती। यह पुरस्कार खेल विकास सॉरी विभाग मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा खेल प्रशिक्षकों को उनकी सेवाओं के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जानकारी से अनभिज्ञता। सीट अप्स का उद्देश्य क्या होता है? तो सीट अप्स किसके लिए होता है? ये होता है आपका उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना, ठीक है, पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं, यह है आपका उत्तर। आगे देखेंगे, खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष आयोजित किए गए, तो ये है आपका स्थिमियन भी बोलते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट। डबल नेल्सन कार्य नीति किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपका सी, कुश्ती से संबंधित है। मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपका जैविक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है, तो ये होता है आपका न्यूक्लियस। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग सॉरी उपयोग किया जाता है? तो ये है रोलर बैंडेज, ठीक है। कहीं पर आपका त्रिकोणीय बैंडेज दिया रहता है तो कई, और इसको आंसर भी ले लेते हैं, लेकिन इसका रोलर बैंडेज होगा सही आंसर। इसी बुक में मैंने एक जगह देखा था कि इसमें जो है आपका त्रिकोणीय बैंडेज दिया था, ठीक है, तो ये रोलर बैंडेज होगा। स्वास्थ्यता का अर्थ है, तो स्वास्थ्यता का अर्थ होता है आंतरिक शक्ति की क्षमता से, ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तुरंत लेके आ रहा हूँ, तो जरूर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।